किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है कि एग्जामिनी यानी कि एग्जाम देने वाले का आत्मविश्वास मजबूत हो। कई बार परीक्षा की तैयारी करते समय हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जब हम अपने ऊपर भरोसा करना कम कर देते हैं, और वहीं कई बार ऐसा समय भी आता है कि जब हम अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। तो दोनों ही मामलों में हमारी तैयारी पर प्रतिकूल असर यानी कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है। तो आज के वीडियो में हम एग्जाम के इसी पक्ष पर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है IAS की परीक्षा के लिए आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आत्मविश्वास को यदि मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है हमारा अपने ऊपर भरोसा। तो परीक्षा में अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर और अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा होना बेहद जरूरी है, और इसमें कमी होने से आपको अपने अंदर हमेशा एक डर बना रहेगा कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, कुछ कमी है, और आपकी तैयारी में कुछ कमी है। इससे परीक्षा में कई बार आप उन सवालों में भी गलती कर सकते हैं जिनके जवाब आपको एक्चुअली अच्छी तरह से आते हैं। वहीं यदि आप अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं लेते हैं और उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। इसलिए जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें और अपने ऊपर कंट्रोल रखें। इसके लिए आप कुछ सामान्य तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला, अपने डर का सामना कीजिए। तो आत्मविश्वास में कमी का सबसे बड़ा कारण होता है डर। अक्सर हम उन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें डर लगता है, और यही डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता जाता है। इसीलिए अपने डर से मत डरिए, बल्कि उस डर का डटकर सामना कीजिए। हो सकता है कि शुरुआत में आप असहज महसूस करें, अनकंफर्टेबल महसूस करें, मगर धीरे धीरे आपका साहस डर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले UPSC CSA एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। UPSC CSA एस्पिरेंट्स के लिए सही गाइडेंस और डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है परफेक्ट स्टडी पार्टनर। इसमें आपको मौका मिलेगा इंडियाज बेस्ट एडुकेटर से सीखने का, जिससे आप स्टैंड आउट कर सकते हैं थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स में। अन अकेडमी एवरी मंडे न्यू बैचेस लॉन्च करवा रहा है, इसमें आप एनरोल करके अपनी तैयारी को और पक्का कर सकते हैं। ये बैचेस 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर के ड्यूरेशन में होते हैं। इन बैचेस में एनरोल होने से आपको प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस भी मिलता है। तो जब इतना सब मिल रहा है तो देरी ना करें और अपना परफेक्ट स्टडी पार्टनर ले आएं। अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। तो देरी ना करें, अन अकेडमी को अपना परफेक्ट स्टडी पार्टनर बनाएं और अपनी तैयारी का लेवल अप करें। पॉइंट है कि छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों, कई बार हम बड़े बड़े गोल्स बनाकर उन्हें पूरा करने में लग जाते हैं। इस वजह से कई बार हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते और हताशा हमें घेरने लगती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लीजिए और एक एक करके उन्हें पूरा कीजिए। इनसे आप धीरे धीरे स्मॉल गोल्स को बिग अचीवमेंट्स में बदल सकेंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि गलतियों से ना डरें। तो दोस्तों, जीवन में असफल हुए बिना सफल हो पाना संभव नहीं है। तो दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी गलती जरूर करता है, मगर इससे डर कर कुछ नया ट्राई नहीं करना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हार्म कर सकता है। तो गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों से सीख कर उनमें सुधार करना जरूरी है, और उनको दोहराना बुरी बात होती है। चौथी बात यह है कि लोगों से मिलें। तो तैयारी के दौरान अपने आप को दुनिया से काट कर मत बैठिए, लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनके विचार सुनिए और अपनी बात भी रखिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी कितनी पूरी हुई है और उसमें कितना काम अभी आपको करना बाकी है। हाँ, लोगों से बात करते वक्त अपनी नॉलेज पर भरोसा रखिए और उनसे बात करते समय आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात कीजिए। याद रखिए कि आपको अपनी जानकारी और नॉलेज को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका अपने दोस्तों के बीच में ही मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कीजिए। दोस्तों, तैयारी में पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। यदि जीवन में पॉजिटिविटी हो तो हम कई बार मुश्किल परिस्थितियों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। वहीं यदि कोई
हर वक्त नेगेटिव एटीट्यूड रखता है तो उसकी समस्या विकराल ही नजर आती है और वो लड़ने से पहले ही हार मानने लेने को तैयार हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि अपना ध्यान समस्या के बजाय समाधान पर केंद्रित कीजिए। याद रखिए कि दुनिया की कोई भी समस्या इंसान के हौसले से बड़ी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है, कुछ सजेशन है तो उसे कॉमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।